नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में दीपक का लाइव में। आज के वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं खोआ की बिल्कुल नई रेसिपी और बेहतरीन रेसिपी दोस्तों। तो चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले दोस्तों मीठा खोआ को गर्म कर लिया है। गर्म कर लेने के बाद दोस्तों इसमें कलर कर लिया येलो कलर। अब इसका हम गुल्ली काटेंगे दोस्तों बारी बारी से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ये हमने काजू ले लिया है कटिंग करके, इसके अंदर डालेंगे और इसे गोल करेंगे। दोस्तों ये मीठा खोआ है, इसी को हम घाटी कहते हैं या मीठा खोआ कहते हैं। इसे हमने गर्म कर लिया है ताकि इसका सही रूप दे सकें कटिंग करके। इसी तरह से गुल्ला को बार बार भरते जाएंगे दोस्तों, एक एक लोहिया को भरेंगे, मेवा सभी के अंदर डालते जाएंगे दोस्तों काजू के रूप में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं हम कि खोआ मोदक कैसे बनता है येलो कलर में। दोस्तों बिल्कुल मोदक का रूप देने वाले हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से हम कर रहे हैं इसका डिजाइन, फिर आपको हम हाथ से बताएंगे कर करके। पहले इस तरह से करते जाना है लंबा, एक कोना इसका लंबा रखना है और एक कोना मोटा रखना है, इस तरह से खड़ा करके रखना है। सभी को इसी तरह से करेंगे, जितना हमने लोहिया बनाना है जितना पीस हमें बनाना है सभी को इसी प्रकार से करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ पाएगा कैसे बनता है दोस्तों मोदक। जितने भी दोस्तों मेरे चैनल मेरे वीडियो को व्यू कर रहे हैं सभी को दिल से थैंक्स। ये देखिए ये टेस्टर है, ये इसे रेड मनी पतला सा उससे दाग देना होता है और मोदक का रूप आ जाएगा। अभी हम दोस्तों क्लियरली हाथ में करके दिखाएंगे, वो आपको बताने के लिए उस तरह दिखाएं किस तरह किए हैं। अब उसको हम हाथ में ले करके सही तरीके से करेंगे दोस्तों ताकि देखने में अच्छा लगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे दोस्तों उसका काम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका रूप दिखते जाएगा मोदक का। दोस्तों आपको अगर मेरा चैनल पुराना है तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर खोआ आइटम बताता हूँ। आने वाले दिनों में हर तरह की रेसिपी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी बहुत दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, मेरा तबीयत सही नहीं था दोस्तों। देख सकते हैं किस तरह से दाग देते जा रहे हैं इसमें बारी बारी, सभी में इसी तरह करेंगे और इसी साथ दोस्तों हमारा मोदक तैयार होगा। ये देखिए हमने ट्रेल में से सैंत लिया है सभी को इसी तरह से, और सभी के ऊपर पिस्ता थोड़ा सा देंगे, कुछ में हमने दे रखा है। सभी में बारी बारी पिस्ता दे देंगे और हमारा मोदक तैयार हो जाता है दोस्तों इसी के साथ। हमने किया क्या, खोआ को पहले से मीठा खोआ करके रखा था, उसे गर्म किया, उसका गुल्ला काटा, उसके अंदर मेवा भरा, काजू और किशमिश भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल, उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और उसमें बर्फ का प्रयोग कुछ करना नहीं दोस्तों, वैसे ही देखने में सुंदर लगता है जिस तरह का इसका डिजाइन है। और इसके ऊपर हमने पिस्ता डाला है, उससे पहले हमने दोस्तों थोड़ा सा रंग का टीका लगाया था कि पिस्ता आसानी चिपक जाए। तो दोस्तों इसी साथ हमारा वीडियो कम्प्लीट हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम जय हिंद।